ये लड़का है। अच्छा लड़का है, तो ये भी जाता था क्या वहाँ पर आपके साथ में? नहीं, वो काम करने जाता था इससे पहले के। अच्छा, लेकिन अभी आप सीधा भगवान से जुड़ गए हैं बराबर रामदेव से, और पिछले 9 साल से लगातार जाते हैं। दीपिका कहाँ रहती हो? नीमाचा। कहाँ जा रहे हो आप? रामदेवरा। तो पैदल चले जाओगे आप? कितनी उम्र होगी आपकी? 10 साल। आप देखो 10 साल की बालिका है और वह पैदल 1200 किलोमीटर का सफर तय करके रामदेवरा जाएगी। भक्तों का जनसैलाब यहाँ से पैदल रामदेवरा जा रहे हैं, और अभी देखा हमने रास्ते भर मतलब हजारों की संख्या में हरदा जिले से तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश से कितने लोग जाते होंगे रामदेवरा, हमारे साथ भक्तों को मौजूद रूप से चर्चा करेंगे। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? रामदेवरा। हर साल जाते हो? पहली बार जा रहे हो। क्या कुछ मन्नत है कि वैसे जा रहे हैं? आपके गांव से कितने लोग जा रहे हैं? 10 लोगों का जत्था जा रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ से? जोरीराम कला। पहली बार जा रहे हो? नहीं, 8 साल हो गए। 8 साल से जा रहे हैं? हर साल जाते हैं। हर साल कितना किलोमीटर का सफर है? 1200 किलोमीटर। 1200? थकान नहीं होती? 1200 नहीं, थोड़ी बहुत आती है, दूर हो जाएगी। तो क्या कुछ मन्नत थी या फिर खुशी? अच्छे प्रेम। अच्छा, मतलब बाबा का आशीर्वाद हाल खोल रखो। अकेले जा रहे हो कि परिवार से? नहीं, फैमिली से ही जा रहे हैं। अच्छा, आप फैमिली से ही जा रहे हो, और कोई जा रहा था साथ में? आप देख सकते हो और भी लोग हमारे साथ में हैं यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो? पहली बार जा रहे हो? हर साल जाते हो? क्या कुछ मानना था कि वैसे ही जाते हो? मतलब बाबा के प्रति आपकी जानते हैं, ऑटोमेटिक ही है तो हमारी गेम ऑटोमेटिक चल देती है ना। हमारे साथ और बुजुर्ग है। कहाँ से? जिसगांव खुर्द। जिसगांव खुर्द रामदेवरा जा रहे हो जी? पैदल? पैदल। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 55। 55 साल, मतलब 1200 किलोमीटर में 55 साल की उम्र में पैदल चल जाओगे जी? 7वां साल। हर साल जाते हो? हर साल। क्या मतलब किससे प्रेरणा मिली या आप जा रहे हो मतलब लगातार जो 7 साल? बाबा की मेहरबानी है, बाकी अपना कुछ नहीं है। 7 साल से आप जुड़े हो? हर साल आते हो? हर साल पैदल? ये मान के चलो हमारी फसलों में दवा दारू की देने की जरूरत नहीं है, इतनी रात चौगनी होती है। क्या नाम आपका? अजय राजपूत। अजय, कौन से वहाँ से? चारवा से। फिर तो आप देख सकते हो भक्त लगातार यहाँ पर, हमने देखा चला आ रहा है, छोटी सी बच्ची बालिका भाभी जा रही है। बेटा क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ रहती हो? नीमाचा। कहाँ जा रहे हो आप? रामदेवरा। तो पैदल चले जाओगे आप? कितनी उम्र होगी आपकी? 10 साल। आप देखो 10 साल की बालिका है और वह पैदल 1200 किलोमीटर का सफर तय करके रामदेवरा जाएगी। आपके साथ में कौन कौन है? कहाँ है पापा जी? पापा जी से भी मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। बुजुर्ग है, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारे पास नीमाचा। नीमाचा से? कहाँ जा रहे हो आप? माइता जी छोरी का भी रिटर्न कर देंगे, क्या है उसी को रामदेवरा भी कल ले जाएंगे। तो ये छोटी सी बालिका को आप साथ में लेकर जा रहे हो, थकान नहीं होगी? कुछ नहीं होगी, उसकी मेहरबानी होगी। पहली बार जा रही है? हाँ, पहली बार। और आप कब से जा रहे हो? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल से? आप हर साल जाते हो? 1 साल बीच में गैप हो जाता, बाकी जाता खाली। क्या कुछ मन्नत थी या फिर एक आस्था जुड़ी हुई है बाबा के? कुछ नहीं, मन्नत तो अभी आस्था से जाते। आस्था जाते हो? तो बालिका का मन हुआ तो उसको भी लेकर जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि छोटी सी बालिका है, 10 साल जिसकी उम्र है। और नारायण सिंह राजपूत सुकरास। सुकरास जी, कहाँ जा रहे हो? रामदेव बाबा। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? अकेले ही हूँ मैं। चले जा रहे जी? पहली बार जा रहे हो कि पहले? नहीं, ये दूसरी बार है। दूसरी बार जी। कैसा लगता है? ये 1200 किलोमीटर का सफर है जी, और रास्ते में बहुत सी दिक्कत परेशानी भी आती होगी? नहीं आती है? कोई परेशानी नहीं आती है, जल्दी है बाबा की। अच्छा, कोई परेशानी नहीं है, मतलब बाबा के धाम रामदेव आप जा रहे हो बाबा का ध्वज लेकर साथ और है ना। तो हमारे साथ सुकरास के भी लोग थे और यह भी पैदल 1200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, और यह दूसरा देखो बुजुर्ग अम्मा है भाभी जा रही है, उनकी भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? रमा भाई। कहाँ जा रहे हो आप? रामदेवरा। पैदल जाएंगे? पैदल। कितनी उम्र है आपकी? 60-70। 60-70?
आप देख सकते हो 60 से 70 साल उम्र की बुजुर्ग महिला हरदा जिले से 1200 किलोमीटर दूर रामदेवरा पैदल जा रही है। इनकी भक्ति और आस्था को देखिए कि इस उम्र में भी 1200 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, करने की हिम्मत रख रहे हैं। ये तो आज देखा हमने लोग युवा जो है भाई एक या दो किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते। और भी बुजुर्ग माता उनसे पता करें क्या नाम माता जी आपका? कुसुम। कहाँ से हो? दिवनी से। कहाँ जा रहे हो आप? रामदेव बाबा। पैदल जाए? पैदल। पहली बार जा रहे हो कि पहले भी गए थे? पहली बार जा रहे हो। कितनी उम्र होगी आपकी? होगी 40-50। नहीं ज़्यादा होगी माता जी आपकी उम्र? बहुत ज़्यादा होगी। क्या नाम है आपका? रघुनाथ सिंह राजपूत। कहाँ से आप? कितने साल से जा रहे हो आप रामदेव? पहली बार जा रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मन्नत है या फिर स्वच्छता से बेची जा रहे हैं? खुशहाली से। खुशहाली से। आपके यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? हमारे यहाँ से हम दो ही है, भाई दोनों भाई बहन जा रहे हो। आप देख सकते हो दोनों भाई बहन जा रहे हैं बाबा रामदेव, क्योंकि यहाँ से हरदा से 1200 किलोमीटर दूर है। और बुजुर्ग माँ है उनकी, क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से? मसन गाँव। कहाँ जा रहे हो आप? पैदल चले जाओगे आप? 9 साल से जा रहे हो? होगी 50 साल। 50 साल? 9 साल से लगातार जाते हो? 9 साल से बुजुर्ग है, मसन गांव की महिला है और पिछले 9 साल से लगातार यह रामदेवरा जा रहे हैं। कितना किलोमीटर का सफर है? हम यहाँ 1200-1300 किलोमीटर। 1200-1300 किलोमीटर। और अभी आगे विश्राम कहाँ रहेगा आपका? हंडिया में विश्राम करेंगे। तो यह फोटो है, बनाया मंदिर। मंदिर कहाँ बनाया? यहाँ गाँव पे। देखो बाबा रामदेव के, बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखिए। इन्होंने पिछले नौ साल से लगातार क्या नाम आपको बता? जमुना भाई। मसन गाँव के निवासी है और इन्होंने 9 साल से बाबा के प्रति इनकी आस्था जुड़ी हुई है और इन्होंने बाबा के आशीर्वाद से, उनके कृपा से अपने गाँव में मंदिर भी बनाया। मंदिर बनाने के पीछे क्या था? कोई ऐसी मान्यता थी क्या? मान्यता यही थी कि हमारे छोरो भगवान घर चले गया। तो आपने मतलब उसके बाद में भक्ति भाव से जुड़ गए जो भी है? मंदिर बनाई दिया है ना। आप अकेले रहते हो अभी? नहीं, लड़का हो रहा है। लेकिन एक लड़का तो उसकी याद में, मतलब जो भी उसकी स्मृति में आपने, ये लड़का है। अच्छा लड़का है। तो ये भी जाता था क्या वहाँ पर आपके साथ में? नहीं, वो काम करने जाता था इससे पहले के बाद। अच्छा, लेकिन अभी आप सीधा भगवान से जुड़ गए हैं बाबा रामदेव से और पिछले 9 साल से लगातार जाते हैं। ये सोचते हो आपने जमुना भाई है, उन्होंने मंदिर भी बनाया। और ऐसे ही हरदा जिले से हर साल हजारों की संख्या में लोग पैदल रामदेवरा जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो मन्नत होती है, जो आस्था होती है, वहाँ पर पूरा करते हैं। अभी इनका जत्था लगातार जारी है और इसके साथ ही जगह जगह यहाँ पर जो लोग हैं बस सेवा में भी लगे हैं। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, लोग सोपलार करा रहे हैं, कहीं पानी पिला रहे हैं। मतलब देखिए कि बाबा के भक्त जा रहे हैं लेकिन आगे आगे उनकी व्यवस्था भी हो रही है। अभी ये हरदा से जो जत्था रवाना हुआ है, ये हंडिया में विश्राम करेंगे, उसके बाद में सुबह कल फिर आगे अगले पड़ाव की ओर। तो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। आपने देखा होगा कि हरदा से हंडिया और इंदौर रोड पर इस समय हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग बच्चे पैदल बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक और जहां बड़ी संख्या में भक्त पैदल बाबा के जयकारे लगाते हुए पैदल जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देखा है कि जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। सेवा भाव से जो लोग जुड़े हैं बाबा के प्रति, उनकी आस्था है, वह जगह जगह अपना स्टॉल लगाकर उन श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। यहाँ पर भी देखो हरदा इंदौर रोड के ऊपर यहाँ पर सोपलाहार की व्यवस्था रखी गई है। बाबा के जो भक्त लोग हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर बाकायदा पूरा इन्होंने टेंट लगाया है। बाबा का यहाँ पर विराजमान है बाबा रामदेव और जो भक्त आ रहे हैं पैदल चलकर, उनको यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ में उनको पीने के पानी की व्यवस्था, सोपलाहार की व्यवस्था पूरे यहाँ पर बाबा के जो भक्त हैं उनके द्वारा रखी गई है। अभी से चर्चा करेंगे कि कब से उनकी ये सेवा कार्य चलता आ रहा है। भारत में कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे चर्चा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन पारसर, एडवोकेट। वकील साहब,
बड़ी संख्या में हरदा से हजारों की संख्या में बाबा रामदेव पैदल श्रद्धालु जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी लोग हैं। तो आप कब से यहाँ पर जब से उसने प्रेरणा दी तब से कर रहा हूँ, परंतु सन 1985-86 के बाद मैं यहाँ कमर से पूरा लूला हो गया और रात में लूला हुआ और सवेरे वो यहाँ मूलचंद मारू एक बाबा रामदेव के कथावाचक आते थे, उसकी कथा मेरे फादर सुनने जाते थे और मैं तब 11वीं में था। तो वही प्रार्थना की कि बाबा ये तो ऐसी ज़िंदगी कैसी चलेगी। तो रात में ये लूला हुआ, सवेरे 4 बजे ऑटोमेटिक उसकी प्रेरणा से वो ऑटोमेटिक अच्छा हो गया था, बिल्कुल अच्छा, सीधा से चमत्कार, बिल्कुल बिल्कुल चमत्कार रहे। इसके अलावा और तब से मैं इसके बाद में दर्शन करने भी पैदल नहीं गया, गाड़ी से गया और अभी भी जब भी योग मिलता है जाता हूँ। और बाबा का क्या पर्चा, तो मतलब कोई महसूस नहीं कर सकता कि कितने चमत्कार हैं ये। तो हमारे साथ में पारासर जी थे जो कि कानून के ज्ञाता है और इनके कमर में दर्द था 11 साल नहीं, यहाँ से पूरी तरीके से लूले ही हो गया था, मतलब पैर चलना फिरना बंद हो गया था बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसे बाबा के छोड़ दिया, मतलब रात में हुआ और सवेरे पैदल चल के और अपना काम कर रहा है, नहीं तो रात में फादर ने उठा के बाहर ले गए करे ये सब। देखो बाबा के रामदेव के चमत्कारों से बहुत बड़ी मतलब कई कहानियां जुड़ी हुई है और कई लोगों को आराम महसूस मिला है और उसके बाद में लगातार बाबा के भक्तों में बढ़ोतरी हुई है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ पैदल बाबा के जयकारों पर हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए यहाँ पर जो सेवा दावा करते हैं। क्या नाम आपका? तब से ये पूरी टीम आपकी जो सेवा कार्य में लगे हुए बाबा रामदेव कृपा है। वही आशीर्वाद है, वही देता है और कराता है। 14 साल से ये अपना सेवा कार्य सतत जारी है। ये लड़का है, ये लोग हमको ले गए थे। अच्छा, हम पहले फिल्म में रेलवे में छात्र स्टेशन के ठेकेदार। हाँ, तो जब से मेरे मन में इनके सिवा कोई और देवता को संपाद याद ही नहीं था, उठते बैठते कि नाम रामदेव बाबा रामदेव, बाकी और किसी और काम ऐसा नहीं है जो रुक गया। मैंने जब उनको याद किया मेरे काम हमारे साथ में रेलवे के ठेकेदार हैं जो कि पार्किंग का काम है और 12-13 साल से सतत जुड़े हुए हैं और हर एक काम इनका पूरा हुआ है, बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा है। और आप देख सकते हैं पूरी टीम उनकी यहाँ पर लगातार यहाँ पर सेवा कार्य में जुटी हुई है। बाबा के जो भक्त आ रहे हैं 1 से लेकर 1000 भी प्रतिदिन और 2000 की संख्या में भी आए, लेकिन निरंतर इनकी जो सेवा कार्य है बस सतत इसी प्रकार यहाँ पर जारी है। इन्होंने यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी की है ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए थोड़ी सी आराम कर ले और यहाँ पर वो मतलब प्रसादी ग्रहण करने के बाद में वो आगे रवाना हो जाए। लालू प्रजा बाबा से कब से आपकी आस्था जुड़ी हुई है? मैंने तो आप पैदल गए हो? मैं 19 साल तक गया हूँ पैदल। 19 साल गया हूँ और इसके बाद ये मेरे भाऊजी इनने ही सिखाया है और हमारे एक मित्र थे, हमारे समझो गुरु थे नरेंद्र साकल्ले, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनने हमको सिखाया था एक एम टी का जो मैंने 40 से चालू करा था, आज मैं साउद आने की कुछ तक आ गया हूँ। आज मेरे को ये चाहिए मेरे बाबा जैसा मेरे को आशीर्वाद बनाया रखे। 19 साल से जुड़े हुए थे और इनका यही कहना है कि बस बाबा का आशीर्वाद ही काफ़ी है और उन्हीं की प्रेरणा से सब काम ये चल रहा है।